बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रवेश खालिद यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर हम आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं न्यू डील से मुतालिक। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ट्राई होती है कोई भी नया प्रोजेक्ट आए, कोई नई डील आए या कोई भी अपडेट्स हमारे पास आए जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों, वो हम ट्राई करते हैं कि अपने व्यूअर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ एज सून एज पॉसिबल शेयर कर सकें, ताकि आप भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहें और आप डिसाइड कर सकें कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, कहाँ पे आपको किस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से आज एक नई डील की आपको डिटेल बताने जा रहे हैं, जो कि ईस्टर्न बाज़ार की है। ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया जा रहा है क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, और आपको बताना चाहेंगे इसकी जो लोकेशन है और जो इसकी डिटेल है पेमेंट प्लान से रिलेटेड और इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, जो हमारे न्यू क्लाइंट्स हैं जिनको बहरिया ऑर्चर्ड ईस्टर्न ब्लॉक के बारे में नई इन्फॉर्मेशन, उनको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ वन जो है, फेज़ वन और फेज़ टू, ये मेन रायमंड रोड पर लोकेटेड है। जैसे ही आप अड्डा प्लॉट क्रॉस करें और उधर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आगे आके आपके राइट साइड पे आता है ऑर्चर्ड फेज़ वन और टू। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं फेज़ वन में ऑर्चर्ड में, तो एंटर होते साथ ही आपके लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट ब्लॉक है वो ईस्टर्न ब्लॉक है, और ईस्टर्न ब्लॉक आपको बताना चाहेंगे टोटली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं, रहाइश वगैरह मौजूद है और जो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी होती है वो सब कुछ यहाँ पे नियरेस्ट सराउंडिंग में अवेलेबल है, लाइक पार्क, हॉस्पिटल, मस्जिद, कमर्शियल एरिया और स्कूल है, रेस्टोरेंट है, सिनेमा है, ये तमाम चीज़ें फेज़ वन फेज़ टू में अवेलेबल है। तो इस हवाले से आपको बताना चाह रहे थे कि फेज़ वन में जो ईस्टर्न ब्लॉक है ये टोटली पॉपुलेटेड एरिया है। इसके बिल्कुल ही साथ ईस्टर्न एक्सटेंशन आई है जहाँ पे 5 मरले के 8 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट दिए गए हैं, और प्लस रिसेंटली आप में से बहुत से लोगों को आइडिया होगा यहाँ पे एक डील आई थी ईस्टर्न विलास के नाम से, जो 5 मरले के डबल स्टोरी हाउसेज बना के दिए जा रहे हैं इसी इंस्टॉलमेंट प्लान पे। 3 साल का उनका इंस्टॉलमेंट प्लान था और मिनिमम डाउन पेमेंट जो उनकी थी 11,90,000 रुपये थी, और ये 3 साल के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे दिया जा रहा है। 95,000 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट दी गई है, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से बहुत ही पॉजिटिव इसका रिस्पांस आया और बहुत जल्दी इसकी बुकिंग की गई है। और अब इसको देखते हुए वहाँ पे इस रोड़े आते ज़िंदगी देखते हुए कि जहाँ पर इतने ज़्यादा घर हैं, जहाँ पर इतनी ज़्यादा रहाइश होगी, ऑलमोस्ट तकरीबन 1,000 के करीब वहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं, और जो प्लॉट्स हैं उन्होंने वहाँ पे डेवलप होना है, घर बनना है, तो वहाँ पे जो कमर्शियल की ज़रूरियात है वो बहुत ज़्यादा फील की जाएगी। तो इन सब को देखते हुए क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जो कि ईस्टर्न बाज़ार के नाम से है। ये एक कमर्शियल मॉल बनाया जा रहा है जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में शॉप्स दी जा रही हैं ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शॉप्स आपको दी जा रही हैं इसकी जो पेमेंट है वो आपने 2 साल में करनी है। अभी जस्ट आप डाउन पेमेंट दे के इसकी बुकिंग करा सकते हैं और बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आप 2 साल के टाइम पीरियड में मंथली इंस्टॉलमेंट करके पे कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है जो चाहते हैं कि हमारा कमर्शियल प्रॉपर्टी बन जाए और हम लमसम पे नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि हम उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दें, या जो लोग चाहते हैं कि हमारी कोई ऐसी शॉप वगैरह हो जिसको हम इन फ्यूचर रेंट आउट कर सकें, या जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट होते हैं जो यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन खुद से नहीं करा सकते और ये सब कुछ वो चाहते हैं कि कोई उनके बिहाफ पे कर दे, तो उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन होगी कि वो उनको यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा, खुद अपने लिए कमर्शियल बनाना नहीं पड़ेगा, उनको जस्ट ये है कि इंस्टॉलमेंट प्लान पे वो शॉप खरीद सकते हैं और जैसे ही ये कंप्लीट होगा उनको उनकी शॉप डिलीवर कर दी जाएगी। उसके बाद वो चाहें तो वो खुद अपना बिजनेस कर सकते हैं या चाहें तो उसको रेंट आउट कर सकते हैं और मंथली रेंटल इनकम इंजॉय कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये इसके जो है ऑप्शन बेहतर है। तो आपको इसकी जो डिटेल्स हम बता देते हैं, यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं वो वेरी करती हैं, उनकी प्राइसेस भी वेरी करती हैं, 256 स्क्वायर फुट से लेके 334 स्क्वायर फुट तक के इनके साइजेस हैं जो कि डिफरेंट हैं, और प्राइसेस भी इनकी डिफरेंट है, ऑलमोस्ट 43 लाख और 90,000 से स्टार्ट होके 89 लाख 90,000 तक की इसकी प्राइसेस हैं। डेफिनेटली जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव हैं और जो फर्स्ट फ्लोर की शॉप्स हैं वो
थोड़ी कम बजट में आ जाती हैं। तो जो हमारे क्लाइंट इन्वेस्टर कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो चाहते हैं उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, इन फ्यूचर वो उसको रेंट आउट कर सकें या इन फ्यूचर वो उसको बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें, उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। और वो चाहें तो इसकी बुकिंग करवा सकते हैं और बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट दे के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसकी कुछ और मज़ीद डिटेल हम आपको बता देते हैं। ये इंशाल्लाह 2 साल के टाइम पीरियड में इसको बनाया जाएगा और आपको पोजीशन हैंड ओवर कर दिया जाएगा। प्लस आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोई भी एरिया हो, कोई भी रेजिडेंशियल एरिया हो, वहाँ पे कमर्शियल की ज़रूरत जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, उसको कभी भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली कमर्शियल वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, लेकिन जो जहाँ पे आपकी रिहाइश होती है, आपकी कोशिश होती है कि नियरेस्ट ही आपको सब कुछ अवेलेबल हो, लाइक ज़रूरियात ज़िंदगी जो होती है, ग्रोसरी स्टोर होता है या मीट शॉप्स होती हैं या कुछ भी फास्ट फूड की शॉप्स होती हैं, तो वो डेफिनेटली आप एक छोटे से काम के लिए दूर जाना पसंद कोई भी नहीं करता कि वो बहुत दूर जाए और कमर्शियल एरिया से वो उसको बाय करके आए, उसमें टाइम भी आपका वेस्ट होता है और डेफिनेटली आपको डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ता है। तो जो घर के पास नियरेस्ट अप्रोच होती है डेफिनेटली उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इस लिहाज से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन होगी जो चाहेंगे कि हमारा घर हो और उसके पास ही कमर्शियल एरिया हो, या जो लोग चाहते हैं कि हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके कमर्शियल प्रॉपर्टी बना सकें, लाइक हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े, हम मिनिमम डाउन पेमेंट दें और बाकी पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में दे दें, तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन होगी कि वो जस्ट डाउन पेमेंट दे के बुकिंग करा सकते हैं और उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, इन फ्यूचर वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसकी मज़ीद डिटेल्स जो इसकी पेमेंट प्लान के हवाले से हैं या शॉप्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी आपको बता देते हैं। बहुत कम नंबर ऑफ़ शॉप्स अवेलेबल हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कमर्शियल मॉल नहीं है, बहुत लिमिटेड सी यहाँ पे शॉप्स अवेलेबल हैं जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की हैं। तो जो लोग चाहते हैं इसमें बुकिंग कराना, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल जानना चाहें तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। उम्मीद करते हैं आज की आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।